हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो आज हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे IRCTC के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, इसमें आपको कोई एडवाइस नहीं है। क्या आप इस कंपनी के शेयर खरीदें या बाय करें या सेल करें, आपको जो भी कुछ करना हो प्लीज़ आप अपना ड्यूलेंस करें, अन्यथा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। तो सब संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे तो कोई चीज़ का रिग्रेट फील नहीं होगा, और बोरो कन्वेक्शन पे कोई डिसीजन लेंगे नहीं तो कब इन करना है कब आउट करना है ये खुद को पता होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के अपने स्टडी के पर्पज से ही वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ साथ में आपकी रिक्वेस्ट पे भी अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का रिव्यू चाहिए तो मैं उस पे भी वीडियो बनाता रहता हूँ। सो IRCTC मेन थी क्या बिजनेस करती है? IRCTC एक ही बिजनेस है इनका, टूर मैनेजमेंट। टूर मैनेजमेंट मतलब सीधा इंडियन रेलवे का मोनोपोली कंपनी है, दूसरा कोई नहीं है। मार्केट लीडिंग कंपनी है, मार्केट लीडिंग क्या, लीडिंग क्या, लीडर ही है, जो कुछ है एक ही कंपनी है। सो IRCTC की बात करें तो इसमें अगर हम इनका बिजनेस देखें तो इनका पानी का बिजनेस है, रेल नील जो रेलवे में मिलता है, कैटरिंग सर्विस है, इंटरनेट टिकटिंग की है, और ट्रेवल एंड टूरिज्म है। चार सब सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और ये जो चारों सर्विस है ये धीरे धीरे करके इंडिया में बहुत बढ़ रही हैं, बिकॉज इंडिया की रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बदल रहा है। नई नई ट्रेन आ रही हैं, नई नई ट्रेन के साथ विद फैसिलिटी आ रही हैं, तो लोग अब इंडियन रेलवे को दूसरी नज़रिए से देखते हैं, और उस हिसाब से इन सब चीज़ों की डिमांड फ्यूचर में कम नहीं होगी, बढ़ेगी। इंडिया में जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा, लोग और फॉरेन विजिटर्स आएंगे, साथ साथ में इंडियंस भी काफ़ी कुछ घूमने फिरने पे आ, तो ये सब चीज़ें कभी कम नहीं होने वाली। और लग्जरियस थिंग्स के लिए जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे वंदे भारत ट्रेन का हो या फिर आपकी जो भी ट्रेनें आ रही हैं नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें एक अलग टाइप का अटैचमेंट आ रहा है, तो वो सब चीज़ें कनेक्ट करेंगी और सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो आई होप आपको ये बिजनेस सेगमेंट तो समझ में आ गया होगा, और सभी जानते हैं, ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ कि बिजनेस में। एंड अगर हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और नोट्स में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कंपनी ने किस किस काम में और कुछ कूद रही है, मतलब कुछ कुछ नया नया काम कर रही है कंपनी ने। पार्टनरशिप एंड कोलोबरेशन किया है जोमेटो के साथ, एंड कैटरिंग सर्विस के लिए स्टार्टिंग में तो पायलट एग्रीमेंट, तो मतलब ये सब चीज़ें बढ़ रही है धीरे धीरे करके। और सेगमेंट परफॉर्मेंस भी दिया गया है, इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट से 9% ग्रो कर रहा है रेवेन्यू, और द टूरिज्म स्टेट तीर्थ सेगमेंट सो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम 63% ईयर ऑन ईयर। तो स्टेट तीर्थ सेगमेंट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज जैसे जैसे करके गवर्नमेंट आज की तारीख में फ्री वीज भी काफ़ी कुछ चलता है, तो ये गवर्नमेंट को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो बुजुर्ग हैं जो उस लायक नहीं है जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो उनको तीर्थ यात्रा भी कराएंगे चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, तो ये सीट भी बढ़ेगी। और रेल नीड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, 4% से बढ़ा है। जब यात्री बढ़ेंगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा और ये चीज़ें कम नहीं होंगी। अगर हम देखें इनके पास द कंपनी हैज एडेड 11 पेयर ऑफ वंदे भारत ट्रेन एंड न्यू 80 न्यू स्ट्रेटेजिक कैटरिंग यूनिट, तो ये वंदे भारत ट्रेन बढ़ेंगी और भी नमो, तो ये सब चीज़ें जब चीज़ें बढ़ेंगी तो कम नहीं होने वाला बिजनेस है ना। एंड अगर हम देखें द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 12 लाख लीटर्स ऑफ द रेल नीड पर डे, तो ये एक अलग चीज़ है। इनके भुवनेश्वर में NTPC से रेल नीर और वगैरह ये सब चीज़ें तो बढ़ेंगी, सीधी सी मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए। बाकी आप अपनी स्टडी पर्पज से लिए नोट्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज कंपनी जो भी कुछ बताती है स्कीनर शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे उपलब्ध करा देता है, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो अगर हम बात करें कि स्टॉक की प्राइस 693 रुपये चल रही है और 1280 रुपये के आसपास एक गया, 50% डिस्काउंट है, तो ऐसा क्या न्यूज़ है? ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा न्यूज़ है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर में इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये शेयर डाउन पे पड़ा है। एक न्यूज़ बनी थी आज के 1.5 साल तकरीबन 2 साल पहले की, जब ये नीचे फॉल डाउन आया, तो ये डेट बताता हूँ आपको, ये फॉल डाउन जब वो आया तो अक्टूबर 2021, 2 साल पहले तकरीबन, गवर्नमेंट किसी मंत्री ने बोला कि हमको भी रेवेन्यू चाहिए होगा, तो वो शेयर एकदम रेलवे टिकटिंग से रेवेन्यू चाहिए होगा, तो एकदम शेयर मार्केट का ये स्टॉक गिर गया। तब से सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, क्योंकि गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनी है, गवर्नमेंट की इसमें ओनर है, तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें चलती फिरती रहेंगी, बट स्टॉक मोनोपोली स्टॉक है, सो अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखता है। मार्केट कैप सिर्फ 55,424 करोड़ है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में इंडियन रेलवे की इंडस्ट्री, रेलवे की इंडस्ट्री काफ़ी कुछ ग्रो करेगी आने वाले भविष्य में, और जैसे जैसे नई हाई स्पीड ट्रेनें भी आ रही है, तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ बंद हो जाएंगी, तो लोग बाग इन सब चीज़ों का
यूज करेंगे ही। स्टॉक का पी 51.3 है, इंडस्ट्रीज का पी उतना ही है क्योंकि इंडस्ट्रीज में यही एक स्टॉक है जो। तो फिर आरओसी बहुत अच्छा है, 59.2 का आरओसी नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी सर्व करती है, 45.4 का आरओई है, प्रमोटर की होल्डिंग 62.4% है। और इसमें आपको बताऊं गवर्नमेंट धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग कम करती चली जा रही है, अगर हम जहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टर पे आएंगे तो देखेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग 67.40 थी दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2023 तक आने आते कंपनी ने 5% के आसपास अपनी होल्डिंग कम कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि जो कंपनियाँ अच्छी चल रही हैं चाहे पीओसी हो कोई भी हो, उनमें अपनी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। और वो FIDI और पब्लिक के पास माल जा रहा है तो यही लोग खरीद रहे हैं, कोई अलग से कोई आ नहीं रहा है। सो अगर हम यहाँ पर अगर हम कंपनी के पास रिजल्ट्स देखें, क्वार्टरली रिजल्ट देखें, तो जून 2020 का वो एक कोविड का टाइम था, वो वाला टाइम को छोड़ दें, रेवेन्यू गुड ग्रोइंग हो रहा है, 995 करोड़ की इनकी सेल्स हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 367 करोड़ का आया है, 37% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज अ गुड थिंग्स हियर, एंड 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर का सितंबर का। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है और मेरे हिसाब से ये आने वाले फ्यूचर में और ग्रो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस में P&L स्टेटमेंट में तो सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है, अभी 3880 करोड़ की सेल्स दिख रही है, मार्च के आते आते मेरे हिसाब से ये 4000 करोड़ के आसपास सेल्स टच करेंगी। और नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है वो हाईएस्ट एवर 1061 करोड़ के आसपास। तो मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 में अच्छी खासी जर्नी हुई, लगभग 35-40% के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। तो यहाँ पे भी अगर 35-40% से ग्रो करेगा तो सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगी और तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी इज इन प्रॉफिट, एक साल में कोई रेवेन्यू नहीं रिटर्न नहीं दिया है, तो यहाँ से ऊपर से आने का डेफिनेटली अपसाइड पोटेंशियल बनता है। बैलेंस शीट की बात करें तो 160 करोड़ का शेयर कैपिटल इक्विटी है, 2686 करोड़ का रिजर्व है, बोरिंग 67 करोड़ दिख रही है, जीरो डेट कंपनी है। अगर हम यहाँ पे अदर एसेट में जाके देखेंगे कैश क्लियर में 2000 करोड़ तो इनके पास खुद के पड़ा है, तो लोन कुछ है ही नहीं है, जीरो डेट कंपनी है के पास। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 43 करोड़ है, दैट इज गुड हेयर। अगर हम बात करें कैश फ्लो बिल भी है ऑलवेज पॉजिटिव, टिकट पहले पैसा देके ही बुक होती है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बताया जैसा कि। सो ओवरऑल बात की जाए तो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ट पैटर्न। सो स्टॉक एक जाके जब से नीचे आया एक दायरे में फंसा है, और दायरा वो है उसका 600 से लेके 700 के बीच में, ये 600-700 की जो रेंज है वो घट नहीं पा रही है। इसका मैंने जब वीडियो बनाया था तब 600 के आसपास शेयर था और मैंने बताया भी था कि तब ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, बट टाइम लग सकता है। और अगर हम देखें तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया उस रेंज से, अगर हम देखें तो अगर इसने ऑल टाइम टच किया तो 25% के आसपास रिटर्न मिल चुका है, लोग जिस जो अपनी स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से देख सकते हैं तो 25% बुक किया होगा उन्होंने। अभी क्या कर सकते हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम यहीं पे चलेगा, एंड कुछ टाइम यानी क्या पता ये पूरा क्वार्टर निकल जाए, दिसंबर का जो अपना थर्ड क्वार्टर है उसके बाद थोड़ा मूवमेंट बने, बट डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, बट टाइम लगेगा, बिकॉज जब एक बार नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाए तो टाइम लगता है। नो डाउट कंपनी डिविडेंड देती है, मार्केट लीडिंग कंपनी है, कोई है नहीं है और कोई इसके कॉम्पिटिशन में, तो यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल 84% का बनता है। और जिनके पास ऊपर की रेंज से है तो लॉस में कभी बेचने का बोलता नहीं, तो लॉस में कभी बेचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कंपनियां अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो ऊपर जाएगी आज नहीं तो कल। सो आई होप आपको IRCTC का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये बिजनेस कम नहीं होगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए।